हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली बहुत अच्छे होंगे। तो जी, अभी शाम का टाइम है और अभी मैं बर्तन वर्तन जो होता है ना, लंच का बर्तन बहुत सारा बर्तन था, तो बस उन्हीं बर्तनों को धोने में लगी हूँ। इतनी गर्मी मैं आपको क्या बताऊँ। पता है आपको, पिछले साल इस मौसम में काफ़ी ठंडा मौसम था, इतना बारिश हो रहा था, इतना ठंडा हवा चल रहा था, पर अब इस बार का जो मौसम है ना, गर्मी का बहुत अजीब सा गर्मी है। कहते हैं जो गंदा वाला गर्मी है ना, वही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे लंच के टाइम को और सुबह के ब्रेकफास्ट के टाइम का ना बहुत ही ज़्यादा बर्तन था, तो बस उन सारे बर्तन को मैं क्लीन करने के लिए आ चुकी हूँ। तो वो को मैंने कहा कि शाम के टाइम का ना यही सब थोड़ा बहुत काम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, तो सोचती हूँ चलो शाम के टाइम सिर्फ बर्तन और झाड़ू लगाना होता है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैं ना बर्तन वर्तन धो लूँगी। और आज मेरा ब्लॉग सुबह में नहीं जा पाया क्योंकि ब्लॉग कोई शूट ही नहीं था। तो जी, मैं आपको दिन भी बता देती हूँ, आज दिन मंगलवार। तो सुबह में ना मैं कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, थोड़ा बहुत काम हो जाता है। और आजकल ये हो रहा है ना कि मैं मॉर्निंग टाइम जो होता है ना, बहुत ज़्यादा बिजी टाइम होता है, ब्लॉग अगर शूट कर लूँ तो हो ही जाता है, वरना नहीं ही हो पाता है। तो यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन को ना मैं क्लीन कर लूँगी। अरे अभी ना, जैसे ये सब काम हो गया है तो खाना बनाने की भी तैयारी जो होता है मैं संग संग ना कर ही लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो एक ही बार अपना सारा काम जो होता है ना वो कंप्लीट करके ही तसल्ली से मैं बैठती हूँ, खाना वाना बना के अपना, जैसे शाम का चाय नाश्ता हो गया, तो आज तो नाश्ता बनाना नहीं है क्योंकि आज हस्बैंड नाश्ता लेके आए थे, तो काफ़ी हेवी नाश्ता हम लोग ने कर लिया है। तो मैं तो खाना भी नहीं खाऊँगी और नहीं रूबी भी खाना नहीं खाएगी, क्योंकि उसको भी बिल्कुल भी भूख नहीं है और मुझे भी बिल्कुल भी भूख नहीं है, सिर्फ हस्बैंड के लिए खाना बनाऊँगी अभी मैं। तो अभी यहाँ पर किचन विचन का जो नल है ना, वो मैंने साफ वाफ कर लिया है, और एक नल आप लोग देख रहे होंगे टेढ़ा सा है, तो वो नल में एक्चुअली प्रॉब्लम है कि पानी लीकेज कर रहा था, इसलिए मैंने उसको टेढ़ा करके टाइट कर दी हूँ। रूम ऑनर को मैंने अभी बोला नहीं, एक बार बोला था फिर उनको ध्यान नहीं था, तो मुझे फिर से उनको ना बोलना है। और यहाँ एक और गर्मी में बहुत बड़ा काम रहता है कि फ्रिज में ना पानी बॉटल, मतलब बॉटल भर भर के रखना। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर अपने बेडरूम में, और दोपहर के टाइम पे होता क्या है ना, बेडरूम का खिड़की ना बंद करके ही रखती हूँ, क्योंकि सनलाइट जो है ना, बहुत तेज़ वाला सनलाइट इधर से आता है, लगभग 1 बजे के बाद सनलाइट बहुत तेज़ वाला आता है, तो इस वजह से इस रूम का खिड़की जो है ना मैं ज़्यादा करके बंद करके रखती हूँ, शाम के टाइम पर ही ओपन करती हूँ। फिर यहाँ पर आ चुकी हूँ हाथ मुँह धोने के लिए, और थोड़ा बहुत जैसे शाम के टाइम पे ना थोड़ा बहुत सा मेकअप कर लेती हूँ, मतलब जैसे क्रीम लगा लेती हूँ थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है, पता है आपको, ऐसे ना फेस ना अजीब अजीब सा लगेगा, और आप जब थोड़ा सा रेडी होकर रहिएगा ना, तो मतलब अंदर से ना अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मतलब थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, अच्छा सा अच्छा लगता है, बस इतना ही। तो बस यहाँ पर मेरा ये जो काम है ना, ये हो चुका है,
अब थोड़े से अपने आप पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बस क्रीम मैं लगा लूँगी और हेयर बिल्कुल भी कॉम नहीं करूँगी, क्योंकि बाल खोलने की बिल्कुल भी मेरा हिम्मत जो है ना मतलब नहीं है कि मैं बाल को ना खोल पाऊँ। इतनी गर्मी है ना, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और आप जब भी कोई काम वाम कीजिए ना तो और भी ज़्यादा ना पसीने पसीने आप हो जाते हैं ना, तो कुछ भी मन नहीं करता है। वैसे रात में ज़्यादा करके मैं नहा के ही सोना चाहती हूँ कि मतलब नहा के सोना तो फ्रेश फ्रेश फील आपको ना होगा, लेकिन इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा हमारे इधर तो गर्मी है बिहार में बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बहुत जो लिप बाम क्रीम कॉम्पैक्ट वो मैंने लगा लिया है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी जा रही हूँ फूल के पेड़ में पानी देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे ना बर्तन वर्तन धोने लगी थी तो पानी ना दे नहीं पाई थी। तो बस यहाँ पे ना मैं पहले पानी वानी दे लेती हूँ फूल के पेड़ में, क्योंकि दिन भर इतनी धूप में रहता है ना फ्लावर्स का, जो भी पेड़ लगाई हूँ, दो तीन लगाई हूँ, जिससे पूजा के लिए फूल ना आसानी से निकल जाता है। तो बस उसमें सारे में ना पानी जो है ना वो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मुरझा से जाते हैं एकदम से, प्लांट बुझाएगा ना मुरझा गया, तो इस वजह से ना सब में पानी ना मैं दे देती हूँ। ऐसे करके देख सकते हैं तो तीन चार प्लांट्स हैं, तो उसमें शाम के टाइम पर मैं सारे प्लांट्स में ना पानी दे देती हूँ। सुबह दिन भर इतना गर्मी रहता है, इतना गर्मी रहता है ना, और उस गर्मी में ये सब मतलब प्लांट्स को भी कितना झेलना पड़ता है गर्मी की वजह से। बारिश होता है तो उसके बाद ना अच्छा लगता है पौधा देखने में, हरियाली हरियाली सा पौधा आता है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ शाम की पूजा करने के लिए, दिया जलाने के लिए। तो यहाँ पर बस यहाँ घर में दिया जलाती हूँ और तुलसी मैया के पास में दिया जलाती हूँ शाम को शाम, यही पूजा मेरा रहता है सिंपल सा। अब यहाँ पे मैं अपना मतलब मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, दूध की चाय मैं बहुत कम पीती हूँ। मुझे कमेंट पे आया था कि आप दूध की चाय क्यों नहीं पीते, कोई प्रॉब्लम की वजह से? तो देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे अब आदत भी छूट गया है, मन करता है तो पीती हूँ, ऐसा नहीं है कोई एलर्जी ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ब्रेड हो गया, कभी पराठे हो गए, कभी बिस्किट के साथ खाने का चाय मन कर रहा है तो पी लेती हूँ, बट डेली बेस पे मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ बस हस्बैंड और रूबी के लिए ही चाय बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जब शाम में आए थे नाश्ता वास्ता लेके तो हम लोग ने नाश्ता तो कर लिया था बट चाय नहीं पिए थे। तो बस यहाँ पे वही मैं चाय बना लेती हूँ दोनों के लिए और दोनों को ही बस चाय दे दूँगी, और इसके बाद मैं संग संग ना डिनर की भी तैयारी करने लगूँगी। तो यहाँ पे मैं करेले की भुजिया और चावल दाल बनाऊँगी हस्बैंड के लिए। रूबी भी डिनर नहीं करेगी, खाना रात का वो भी नहीं खाएगी। तो बस मैं अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, कुछ और रही हूँ। तो यहाँ पे सरसों का तेल डालूंगी, और सरसों का तेल ना डब्बे में ख़त्म हो रखा है, लेकिन डब्बे को धोना है इस वजह से मैं उसमें तेल जो है नहीं रख रही हूँ। तो जैसे ही सरसों का तेल जो है वो गर्म हो जाएगा, तो गर्म अच्छे से मतलब हो जाता है, उसके बाद मैं उसमें जो करेला काट के रखी हूँ, तो करेला को मैं धो ली हूँ, धो के छान ली हूँ, तो उसको डाल के अच्छे से भून लेंगे। करेला का भुजिया बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सिंपल सी दाल बना रही हूँ यहाँ पर, और बस एक ही आदमी के लिए दाल है, तो दाल में रखा है घी ऊपर से डाला है, और उसके बाद उसमें हल्दी नमक डाल के दाल को मैं डाल दी हूँ, वो बनते रहेगा अपना। और दाल बनाने में वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं, पता है आपको, पहले मुझे दाल बनाना बहुत रिस्की काम लगता, पता नहीं क्यों मुझे लगता था ना, मैं जब स्टार्टिंग अपने फैमिली को संभालना स्टार्ट की शादी के बाद, उस टाइम का बात बता रही हूँ, दाल बनाने मेरी बहुत हेडेक वाला काम लगता था, क्योंकि मैं दाल वाल उतना बनाती नहीं थी, मुझे तो पसंद भी नहीं था। पर धीरे धीरे होता है ना कि जब आपको जिम्मेदारी बढ़ता है ना तो आप ना सब कुछ बनाना सीख जाते हो और आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाता है। उसी तरीके से मैं अपनी लाइफ में बहुत सारा काम ऐसा होता था जो मैं नहीं करती थी कभी, लेकिन कहते नहीं कि जब खुद के ऊपर जिम्मेदारी आता है ना तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीख लेते हो और बहुत कुछ करने भी लगते हो। उसी तरीके से मैं भी बहुत कुछ ऐसा था जो मैं कभी करती नहीं थी, मुझसे ये काम नहीं होगा, वो उस काम नहीं होगा, लेकिन जब मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आया ना तो सारे काम को ना मुझे संभालना पड़ा, और अच्छा भी लग रहा है संभाल के। तो यहाँ पे चावल बैठा दूँगी बनने के लिए, एक ही आदमी का चावल बनना है तो इसी में आसानी से चावल जो है ना वो बन जाएगा। दाल हो गया था तो दाल चावल करेले का भुजिया पापड़ तल दूँगी, चिप्स तल दूँगी, हस्बैंड का डिनर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज अभी जो ये ब्लॉग है मैं जस्ट एडिट करूँगी, अभी शूट किया है मैंने ब्लॉग, अभी तुरंत शाम का मैं शूट भी की हूँ ब्लॉग, और अभी एडिट करने बैठी हूँ जस्ट कि आप लोगों के लिए, कि आप लोग को देखने को मिलेगा कि कितनी जल्दी जल्दी मैंने शाम के 6 से 8 के बीच में मैंने अपने घर के सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरीके से होता है कि अगर आप शाम के टाइम पे अगर काम जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हो तो बहुत आसान होता है आपको, मतलब काम इजीली आप ना कर पाते हो। दाल में तड़का दे दूंगी, तो उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि दाल ना, जैसे कि दाल को
किसी अलग से कटोरी में ना रख देती हूँ। तो छोटी वाली पतीला था तो मैं सोची इसी में दाल ना रख देती हूँ, और संग संग बर्तन जो है ना वो मैं धो दूँगी, क्योंकि एक बर्तन धोना भी ना बहुत टेंशन। अभी आपने देखा ही है कि मैं थोड़ी देर पहले कितना सारा बर्तन धोई हूँ। तो होता क्या है ना, देखिए आप किचन में काम कर रहे हैं और बर्तन धोते जा रहे हैं तो आपको ना ज़्यादा बर्तन होगा ही नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप एक साथ जमा बर्तन कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ बर्तन जमा नहीं हो, लेकिन होता है कि सुबह सुबह मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करके मुझे एक्सरसाइज करने जाना पड़ता है और ईशान को लाने जाना पड़ता है, जिस वजह से बर्तन जमा हो ही जाता है। लगता है कि अच्छा बाद में धो लूँगी, अच्छा थोड़ी देर बाद धो लूँगी, अच्छा कोई बात नहीं इवनिंग में तो क्या काम है, इवनिंग में मैं धो लूँगी, तो ऐसा मेरे साथ ना हो जाता है। सो इस वजह से कभी कभी टाइम की कमी की वजह से बर्तन मेरा जमा हो जाता है, वरना बर्तन जमा होने का कोई रीज़न ही नहीं होता। जैसे जैसे मैं काम करती वैसे वैसे बर्तन को धो धो के मैं रखती जाती हूँ। बर्तन जब ज़्यादा हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा हेडेक लगने लगता है, लगता है कैसे धोऊँगी। सो यहाँ पे कुकर वुकर धो के रख लूँगी और यहाँ पे चावल बैठा दूँगी हूँ, दिखाती हूँ आपको, और करेले का भुजिया भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहिए।